सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम बच्चों की नजर से। मैं हूं कविता। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे बटरफ्लाईज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन के कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, जो आज हमारे साथ एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं, और वो विषय है देश के प्रति हम सबका कर्तव्य। तो चलिए स्वागत करते हैं अपने नन्हे मुन्ने मेहमानों का। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनाक्षी है। मेरा नाम गौरव है। मेरा नाम सक्षम है। मेरा नाम नितिन है। मेरा नाम अश्वी है। और मेरा नाम आशुतोष है। तो आप सभी का स्वागत है बच्चों। थैंक यू मैम। तो आप सब लोग जानते हैं कि हम जिस देश में हमने जन्म लिया है, उस देश का नाम क्या है? भारत। 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 और भारत देश क्या है? मेरा देश महान। अब मेरा देश महान तो है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे इस देश को महान बनाने के पीछे किन किन लोगों की मेहनत छिपी थी? स्वतंत्रता सेनानियों की। आप बताइए। मैम जी, जैसे महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस। सोनाक्षी, आप बताएंगी? डॉक्टर अंबेडकर। क्या किया था डॉक्टर अंबेडकर ने? संविधान लिखा था। वेरी नाइस। आप बताएंगे सक्षम? जैसे हो गए जवाहरलाल नेहरू, वो प्राइम मिनिस्टर थे। इसका मतलब आप सबको बहुत कुछ पता है कि अपने देश को महान कैसे बनाया जा सकता है ना? लेकिन क्या आपको लगता है कि आज हम सब लोग अपने देश के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, या हमारा जो देश है, हमारे देश के प्रति हम सबके क्या कर्तव्य होने चाहिए? सोनाक्षी, हमें अपने देश को साफ सुथरा रखना चाहिए और गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। जी, आप क्या कहेंगे गौरव? हमें अपने नियमों के पालन करने चाहिए। अच्छा, और हमें अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, उसका भी सम्मान करना चाहिए। जी नितिन, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। हमें लोकतंत्र में भागीदारी लेनी चाहिए और मतदान भी करना चाहिए। आशी, आप क्या कहेंगी? बड़ों का आदर करना चाहिए। बिल्कुल सही आप बच्चों ने बोला। तो आप सब लोग मुझे लगता है कि कुछ कुछ इस विषय पर भी लिख करके लाए हैं कि हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं। तो सबसे पहले हम सोनाक्षी से पूछेंगे। सोनाक्षी का क्या कहना है इस बारे में? राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम इसकी प्रगति में पूरा पूरा सहयोग दें। राष्ट्र की उन्नति बनाने में हमारी भूमिका जरूरी है। देश के प्रति जब कर्तव्य की बात आती है सोनाक्षी, तो आपके आपके माइंड में क्या आता है, कैसे हम अपने देश की प्रगति कर सकते हैं? हम अपने देश की प्रगति को मतलब साफ सुथरा रखेंगे, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे। आप क्या लिख के लाए हैं सक्षम? हमें पहला पॉइंट कि संविधान का पालन करना चाहिए, जो संविधान में लिखे हैं कानून, ये सब हमें उसका पालन करना चाहिए। और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, इन सब का भी हमें सम्मान करना चाहिए। और जैसे 15 अगस्त होती है, उस दिन तो बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स सब झंडा लेते हैं, फिर उसको निकल जाने के बाद बहुत सारे झंडे ज़मीन पे बने पड़े रहते हैं, ये सब। और उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष के प्रेरित किया है। नितिन, आप भी कुछ लिख करके लाए ना। हमारे कर्तव्य हैं जैसे कि आर्थिक विकास करना, अपने देश को स्वच्छ रखना, सुशासन, शिक्षा, मतदान करना, सभी का सम्मान करना और सभी नियमों का पालन करना। आशुतोष बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं बताने के लिए। आशुतोष, आप बताइए। हमारे राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है कि हम लोकतंत्र में भागीदारी लें और बड़े लोग मतदान करें। एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक के रूप में हमारे पास मतदान करने की शक्ति होती है, जिससे हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जो हमारे लिए कई विकास के कार्य करते हैं। एक और नागरिकों का कर्तव्य होता है कि वे लोकतंत्र में भागीदारी करें। यह चर्चा, बहस और शांति प्रदर्शन में शामिल होता है। ऐसा करके हम सरकार को जवाबदेह ठहराते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हमारी आवाज़ सुनी जाती है। आशवी, आपको पता है हम कितने साल के होते हैं तब हमको वोट करने का अधिकार मिलता है? जब हम 18 ईयर्स के होते हैं। अब पता चल गया आपको? तो अभी आप कितने ईयर्स की हैं? 9।
तो अभी आपको 18 प्लस होने में कितना और साल लगेगा? 9 साल. तो इंतजार करेंगी 9 साल वोट डालने के लिए. तो अब हम यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया था, गौरव ने हाथ उठाया था. आप जानते हैं कि हम कौन सी उम्र में आके मतदान करते हैं? 18 ईयर्स में. हाँ, तो जब 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 सक्षम बड़ा हो जाएगा तो सक्षम वोट करेगा? हाँ, करूंगा. आप करेंगे? क्यों, किस लिए? जो हमारी प्रॉब्लम्स होंगी उसको सॉल्व करवाने के लिए. नहीं, क्योंकि आपका देश के प्रति ये कर्तव्य है. हम किस विषय में बात कर रहे हैं? देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है ना. तो अब जब हम देश की बात करते हैं तो देश तो हम सबका ही है ना. तो अब जब देश हम सबका है तो इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है ना. तो सोनाक्षी, आप ये बताओ कि आप अपनी तरफ से क्या क्या करते हो देश के प्रति, जो आपके कर्तव्य हो सकते हैं. आप अपने आप अपनी अपने टाइम में कुछ ऐसा करते हैं जो देश के प्रति अच्छा रहता है? क्या करती हैं आप? मैम, मैं देश के प्रति ये करती हूँ कि मतलब पढ़ना चाहिए हमें जो हमारे देश के प्रति होगा, और अगर हम पढ़ेंगे तो कुछ पढ़ लिख कर बड़े बनेंगे और कहीं हमें अच्छी जॉब मिलेगी, ये और जिससे हमारा देश उन्नति करेगा. वेरी गुड. गौरव, आप क्या करते हैं? मुझे हमें अपने पूरे देश को साफ रखना चाहिए, नियम के नियम मानने चाहिए और हमें पढ़ना चाहिए. तो पढ़ना तो चाहिए डेफिनेटली, और पढ़ाई हमें ये भी सिखाती है कि हमें गंदगी नहीं फैलानी है ना. तो आज मैं देखूंगी फिर कि आपने कूड़ा तो नहीं फैलाया कहीं पे. हाँ, आप क्या करते हैं सक्षम? मैं पढ़ाई करता हूँ, और मैं जैसे दीदी ने अभी बताया कि कूड़ा जो कोई फेंकता है मैं उसको बिल्कुल भी नहीं बोलता कि यहाँ पे मत फेंको कूड़ा, कहीं वो बोलने लग जाए, लड़ाई करने लग जाए इस वजह से. तो आप उनको बोलते ही नहीं है कि कूड़ा यहाँ पे आप क्यों डाल रहे हैं? हाँ, तो आप ये भी नहीं बोलते कि डस्टबिन में इसको डालिए? तो जहाँ कूड़ा पड़ा है वहीं पड़े रहने देते हैं उसको? नहीं, फिर मैं उसको बाद में जाके उठा के डस्टबिन में डाल देता हूँ. आप खुद डाल देते हैं? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है. अब बताइए आप नितिन, तो आपसे भी सवाल पूछ लिया जाए, महिलाओं की क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर. वेरी नाइस, ये मुझे बहुत अच्छा लगा. तो आशुतोष, आप क्या करते हैं देश के प्रति, आपके कर्तव्य की जब बात आती है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं एज ए नागरिक कि मैं बड़ा होकर व्यस्क बनूंगा फिर वोट डालूंगा, लेकिन अभी से ही तैयारी शुरू हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? मैं एक तो पापा को बोलता हूँ कि जल्दबाजी जितनी भी हो लेकिन वो ट्रैफिक नियमों का फॉलो करें, और फिर कूड़ा कचड़ा ना फैलाएं घर में भी और बाहर भी, जहाँ कहीं भी जाते रहते हैं. आश्री, आप क्या करती हैं? अगर कोई कूड़ा फैला होता है तो उसे साफ करना होता है और पढ़ना चाहिए. तो आपको पढ़ना लिखना पसंद है? फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा आपका? मैथ. मैथ, मैथ पढ़ती हैं आप? आपको टेबल्स आते हैं? ज़्यादा नहीं आते हैं. तो फिर कैसे सब्जेक्ट कैसे फेवरेट हुआ फिर? कितने तक आते हैं? 1 से 12 तक. तो बहुत है 1 से 12 तक तो टेबल्स. कौन सी क्लास में आप? फिफ्थ में. तो आपको तो फिर अभी और टेबल लर्न करने की ज़रूरत है ना, तभी तो ज़्यादा मैथ में अच्छे अच्छे नंबर आएंगे ना आपके. तो अब हमारे साथ दो बच्चे और हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, चलिए उनको बुला लेते हैं. तो आप आ जाइए दोनों, अब आपका स्वागत है. आप अपना नाम बताइए. मेरा नाम आयनुल है. और आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोलू है. आयनुल और गोलू, आप सुन रहे हैं ना हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? तो जल्दी से आप भी बताइए कि आपके देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं? मेरे देश के प्रति कर्तव्य है कि राष्ट्रीय सभी राष्ट्रवासियों को अन्न धन धन्य आवास तथा सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए प्रत्येक राष्ट्रवासी का कर्तव्य बनता है कि वह राष्ट्र का ध्यान रखे. राष्ट्र सुरक्षित तो उसके निवासी का सुरक्षित होंगे. विद्यार्थी का कार्य विद्या अध्ययन करना है, और उसे शिक्षा के साथ साथ ऐसे विद्या भी ग्रहण करनी चाहिए. बहुत बढ़िया. आप क्या लिख के लाए हैं गोलू? मैं भी लिख के लाया हूँ. राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य है कि हम इसकी प्रगति में पूरा पूरा सहयोग दें. राष्ट्र को स्वावलंबी बनाने में हमारी भूमिका निर्णायक सिद्ध होगी. औद्योगिक एवं कृषि की दृष्टि से राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना अत्यंत आवश्यक है. ऐसा तभी संभव है जब हम अपने अपने क्षेत्र में पूरी पूरी लगन एवं मेहनत के साथ करेंगे. आर्थिक दृष्टि से राष्ट्र को सबल बनाना भी हमारा कर्तव्य है. हमें करों का भुगतान पूरी ईमानदारी से करना चाहिए. राष्ट्र के प्रति हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम राष्ट्र के सम्मान को कभी नीचे न गिरने दें.
तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि आप छोटे छोटे बच्चे हैं और आप इतना जागरूक हैं अपने देश के प्रति, और कहते भी हैं कि देश हमें हर वक्त कुछ ना कुछ देता है, लेकिन हम देश को क्या देते हैं, है ना। तो आज से हम सब ये प्रण लेंगे कि हम अपने देश को एक तो गंदा नहीं करेंगे, ना ही गंदा करने देंगे, साफ़ सफाई रखेंगे, ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, हम इतनी अच्छी पढ़ाई करेंगे कि हमारा जो देश है वो हर जगह ग्रोथ करे, अपनी पढ़ाई से हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने देश को भी आगे लेके जाएंगे, है। और आप तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अभी आपको बहुत मेहनत करनी है, दूसरों को समझाना है, खुद भी समझना है। तो आप सभी बच्चे जो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में इतना ही। हम उम्मीद करेंगे कि बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन के जो ये बच्चे हैं, ये देश के प्रति इतने समर्पित हैं और इनका ये समर्पण इसी तरह से बना रहेगा और ये देश प्रगति इसी तरह इन बच्चों के साथ साथ करेगा, क्योंकि बच्चे कल आने वाला भविष्य है हमारा। नमस्कार। शिक्षा है अधिकार हमारा, शिक्षा है अधिकार, शिक्षा है अधिकार हमारा, शिक्षा है अधिकार। पिछड़े समाज का हर बच्चा नहीं रुकेगा पढ़ने से, नहीं रुकेगा पढ़ने से। ओ अनाथ या हो विकलांग, सबका ये अधिकार। शिक्षा है अधिकार हमारा, शिक्षा है अधिकार, शिक्षा है अधिकार हमारा, शिक्षा है अधिकार। अब बढ़े कदम सबके मिलकर नित नई बुलंदी छूने को, अब बढ़े कदम सबके मिलकर नित नई बुलंदी छूने को। सबके हाथों में कलम मिले एक नई इबारत लिखने को, सबके हाथों में कलम मिले एक नई इबारत लिखने को। ओ भविष्य उज्जवल अपना, हर सपना साकार। शिक्षा है अधिकार हमारा, शिक्षा है अधिकार, शिक्षा है अधिकार हमारा।